बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, मैं किक बॉक्सिंग खेलता हूँ। 6 टाइम नेशनल चैम्पियन एंड 5 टाइम इंटरनेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ, जिसमें से रशिया, ईरान, अजरबैजान, तुर्क और मिस्र, जिसमें से मैं चैम्पियन रह चुका हूँ। और सबसे पहला इंटरनेशनल जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो रशिया में था, सेंट पीटर्सबर्ग में चैम्पियनशिप हो रहा था और ओपन यूरोपियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के नाम से ये हो रहा था। तो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा थी इसके लिए, पहला दफ़ा मेरा इंटरनेशनल टूर भी था तो उसके लिए भी ट्रेनिंग मेरे ज़्यादा थी। उस जो हमारे कोच साहब थे वो हमारे लिए ईद के दिन भी आ गए, हमें ट्रेनिंग दिया। ईद के दिनों में भी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे भी हमने डबल शिफ्ट के लिए सुबह और शाम हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ईद के 10वें दिन पे फिर हम लोग चले गए सेंट पीटर्सबर्ग, मेरा मुकाबला था उज़्बेकिस्तान वाले से। तो काफ़ी टफ फाइटर था, मुईताई का खिलाड़ी था वो, तो K1 के रूल पे हम लोग खेल रहे थे। तो सबसे सख्त फाइट भी मेरी हुई थी, पहला दफ़ा भी टूर भी मेरा पहले दफ़ा का था। तो उसमें 3 राउंड मेले खेले जिसमें मैं भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया और मेरा जो अपोनेंट था वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया। अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और वहाँ पे मैं सुरखुरू हो गया, पाकिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल लाया। फर्स्ट यूरोपियन किक बॉक्सिंग चैम्पियन मैं रह चुका हूँ पाकिस्तान में। उसके बाद अजरबैजान, ईरान, तुर्क और उसके फाइनल पे जो मेरे बेल्ट जो आप लोग देख रहे पड़ा हुआ है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स काउंसिल चैम्पियनशिप थी तो ये इजिप्ट में थी, जिसमें से तकरीबन काफ़ी मुल्कों ने शिरकत की थी। शर्मुशेख में मेरा फाइट इजिप्ट के लड़के से आ गया, जो बहुत अच्छा फिटनेस के लेवल पे, फिजिकली फिट भी था, मेंटली भी बहुत अच्छा था, फाइट भी बहुत अच्छा खेलता था, स्किल्स उसके काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने उससे फ़ाइट की जो कि 3 राउंड फाइट हो गई और 3 दफ़ा तकरीबन मैंने उसको पंच से गिरा दिया, लेकिन वो इतना स्ट्रांग था कि वो वापस उठ गया। तो फिर भी फाइट जारी रही, मैंने अपना ये बेल्ट अपने नाम कर दिया, पाकिस्तान के लिए मैंने ये बेल्ट जीत लिया। मेरे फाइट जीतने का राज ये था कि हम लोग जब जाते हैं अपने ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर यकीन और खलूस होता है। ये अगर ना हो तो आप किसी भी मैदान में सुरखुरू नहीं हो सकते। ये है कि हम लोग ट्रेनिंग टफ ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा कोच है वो इंटरनेशनल लेवल कोच है, जो तो हम भी उसके साथ खलूस पे लेके, वो भी हमें खलूस से ट्रेनिंग करा रहा है। अगर आप बाहर मुल्कों में जाओगे तो वहाँ पे इस तरह होगा कि वो वहाँ पे एक कोच होगा और एक ही प्लेयर होगा और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा फीस होती है कि आपको कोच को फीस देना पड़ेगा, ट्रेनर को फीस देना पड़ेगा, तभी वो आपको ट्रेन करता है। हमारे यहाँ तो मालूम है आपको कि सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल स्पोर्ट्स की सपोर्ट नहीं है। तो हमारे जो कोच साहब वो इंटरनेशनल लेवल कोच है, उसने चाइना में भी कोर्सेज की है, यहाँ पे भी काफ़ी कोर्सेज की है, तो वो हमें बगैर पैसों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो उसकी खलूस है, उसका मोहब्बत है, हम लोग भी खलूस और मोहब्बत से लगे हुए, यही हम लोग का राज है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल के भी लड़कों को हरा देते हैं। ट्रेनिंग का हम लोग ये है कि सुबह अभी 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और शाम को फिर 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और हफ्ते में एक दिन रेस्ट करते हैं। डाइट ना होने की वजह से थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, लेकिन हम लोग लगे हुए, डाइट नहीं मिल रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बता दिया कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी तुर्की में, जिसमें से तकरीबन 142 ममालिक शिरकत कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड से तकरीबन अच्छे अच्छे फाइटर आ रहे थे। उसमें मेरा लेटर भी आ गया था पाकिस्तान किक बॉक्सिंग फेडरेशन से, मैं तैयारी भी काफ़ी कर रहा था। रमज़ान में हम लोग डबल टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, हालांकि रमज़ान में आपको मालूम भी है कि काफ़ी जो है मुश्किल पेश आती है, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे 2 टाइम रमज़ान में। लेकिन जब हमें कहा गया कि चैम्पियनशिप हो रही है, आप अपने लिए कोई स्पॉन्सर या प्रमोटर ढूंढें, तो कुछ 4 लाख का तकरीबन खर्चा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेनिंग मेरे डबल हो रही थी, डाइट नहीं मिल रहा था, जो अपने हल्की पुल्की डाइट मैं खुद अपने खर्चे से कर रहा था, तो वो ना स्पॉन्सर मिला ना प्रमोटर मिला, तो उसकी वजह से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं खेल सका, मैं वहाँ पर नहीं जा सका। फ्यूचर में हम लोग ग्लोरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, वन चैम्पियनशिप हो गया, UFC हो गया, जो आपको मालूम है, जिसमें हम लोग को हमें अपने ऊपर भरोसा है और अल्लाह के ऊपर यकीन है कि हम लोग अगर वहाँ पे हमें कोई प्रमोट करेगा या कोई हमें स्पॉन्सर कर सकता है कि वहाँ पे हमारी एंट्री करा दे, तो इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के भी इंशाल्लाह इवेंट जीत के लाएंगे। हम लोग रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, 2-2.5 घंटे फिजिकल करते हैं, और उसके बाद सेकंड टाइम हम लोग जो है अपने जो किक बॉक्सिंग का जो स्किल्स वो सीखते हैं,
जैसे क्योंकि स्पायरिंग होगी, स्पायरिंग हम लोग करते हैं, बैग मारते हैं, पैड मारते हैं, जंपिंग रॉप रॉप करते हैं और शेडोज करते हैं, पीटी करते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइम का शेड्यूल है। बाहर मुल्कों में जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है। अगर यहाँ पे हमें प्रोमोटर मिले, हमें बायर लेवल पे ले जाए, वहाँ पे हम ट्रेनिंग कर ले, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के और प्लेयरों को भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है इससे। एक किक बॉक्सर का प्राइम टाइम काफ़ी महदूद होता है, जो कि 5-6 साल तक ही होता है, क्योंकि जो उरूज होता है वो अपने जिस मसल्स में जो ताकत होती है, जो टिश्यूज़ जो काम करते हैं, तो वही 5-6 साल जो 21 से लेकर 28 साल तक होती है, उसके बाद वो टिश्यूज़ इतने काम नहीं करते, वो स्लो हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो है जब भी किसी को मौका मिला है तो वो 30 साल के बाद ही उनको मिला है, जो कि बाहर मुल्क के जो चैम्पियंस होते हैं वो 21 साल की उम्र में उनकी एंट्री करा देते हैं हाई लेवल के चैम्पियनशिप में। तो हमारे लड़के जो जाते हैं वो उसकी उम्र 30 साल होती है ना, उसका बदन में बहुत मुदाफियत नहीं होती है जो वो आप फाइट खेल सके। अगर मुझे अभी भी मौका मिल जाए, मैं आप लोगों से वादा है कि मैं आप पाकिस्तान का नाम सब मुल्कों में जो है वो बुलंद कर दूंगा इंशाल्लाह।